तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे स्टूडियो मास्टर की तरफ से पी सीरीज में 1001 यानी कि 10,000 वाटेज के एम्पलीफायर के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। और आपको ये भी बताऊंगा इस एम्पलीफायर पर कितना लोड, कितना स्पीकर, कितना बेस और कितना टब चला सकते हैं, और साथ ही मैं आपको इसका प्राइस भी बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर डीजे गन चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए हम बात करेंगे स्टूडियो मास्टर के बारे में। जो आप देख सकते हैं एम्पलीफायर, आपको देखने में एक ब्रांड है, इसका नाम ही एक ब्रांड है जो स्टूडियो मास्टर एम्पलीफायर। ऊपर में आपको एक लोगो दिखाई देगा जो स्टूडियो मास्टर की तरफ से आया है। उसके बगल में आप देख सकते हैं दो चैनल ए चैनल बी यानी ड्यूअल चैनल के एम्पलीफायर होने वाला है। तब चैनल ए और चैनल बी आप देख सकते हैं, और उसके नीचे आएंगे देख सकते हैं कि आपको ऑन और ऑफ का बटन देखने के लिए मिल जाएगा जो एम्पलीफायर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके बगल में देखेंगे आपको पी सीरीज का मॉडल नंबर दिया गया है, और उसके ऊपर देखेंगे तो आपको प्रोफेशनल स्टूडियो एम्पलीफायर पी सीरीज का मॉडल नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो ट्रेनिंग सीरीज 10.0 यानी कि बहुत ही अच्छा कंपनी का एम्पलीफायर इस आप सभी लोग जानते ही हैं। जो पी सीरीज एक अच्छा सीरीज माना जाता है, जो इससे टॉप और बेस दोनों बजा सकते हैं, दोनों बजाने में बहुत अच्छा स्टेबल इसको माना जाता है। और इसके बगल में देखेंगे दोनों साइड आपको एयर वेंटिलेशन के लिए आपको जाली देखने के लिए मिल जाएगा जो एयर को पास करता है, जो एम्पलीफायर को कूल रखता है। और उसके ऊपर आएंगे तो देखेंगे आपको छोटे छोटे दोनों तरफ पर चैनल ए और चैनल बी में आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं चैनल ए में भी आपको ऑन का आपको इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, एक चैनल ए में और चैनल बी में दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बगल में देखेंगे तो आपको मूड का इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बगल में आपको सिग्नल मिल जाएगा, उसके बगल में आपको लिमिटर और टेम्प दोनों का आपको रेड कलर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए कुछ डिटेल हम बैक पैनल पर बता देते हैं। इसका बैक पैनल पर आएंगे देखेंगे तो पहले तो आपको स्टूडियो मास्टर का आपको लोगो देखने के लिए मिल जाएगा जो स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल पीएस सीरीज का 10.0 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके दोनों बगल में देखेंगे तो आपको जैक पिन और एक्सएलआर का इनपुट के लिए आपको ऑप्शन मिलने वाला है, जो जैक पिन और एक्सएलआर दोनों आप यूज कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं आपको चैनल ए और चैनल बी में आपको स्पीकोन आपको मिलने वाला है जो स्पीकर को यहाँ से आउटपुट निकाल सकते हैं। तो आपको चैनल ए और चैनल बी का दोनों का स्पीकोन सॉकेट आपको मिलने वाला है। स्टूडियो मास्टर में थोड़ा सा आपको इसमें कमी देखने के लिए मिलता है, इस एम्पलीफायर में आपको टर्मिनल जरूर जाना चाहिए क्योंकि हैवी एम्पलीफायर है तो इसमें जल्दी खराब हो जाता है, स्पीकर सॉकेट जल्दी खराब हो जाता है। इस वजह से इसमें टर्मिनल अगर मिलता तो इसमें भी और बेटर होता। उसके बगल में आप देखेंगे तो आपको एमसीबी का पुश टू रिस्टार आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मान लीजिए आपका एम्पलीफायर ओवरलोड हो गया तो दोबारा रिस्टार कर सकते हैं। उसके बगल में देखेंगे तो आपको केबल कौन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो केबल इसका हैवी क्वालिटी का इसमें केबल आता है। उसके ऊपर आएंगे तो आप देख सकते हैं लोक कट ऑन और ऑफ, यानी कि आप अगर इससे बेस केबल चलाना चाहते हैं तो आपको लोक कट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बगल में देखेंगे आपको क्रॉसओवर दिया गया है जो सेंसिटिविटी भी कम कर सकते हैं, लिमिटर भी कम उसमें दिया ऑन और ऑफ का लिमिटर भी बंद कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव का भी इसमें ऑन ऑफ दिया गया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसमें देख सकते हैं आपको पूरा क्रॉसओवर का सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसका लोड कैलकुलेशन का कि कितने स्पीकर आप कितने ओम्स पर कितना स्पीकर चला सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे पहले तो इसका 8 ओम पर अगर बात करें तो इसका आप आउटपुट देख सकते हैं, आपको पर चैनल इसमें 1900 वाट का आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगा। ये आरएमएस पावर में हम बता रहे हैं, आरएमएस पावर इसका 1900 वाट इसका आउटपुट दिया गया है, जो ईएस पावर अलग होता है, मगर आपको आरएमएस पावर में बता रहा हूं। जो 8 ओम पर यानी कि अगर आपकी स्पीकर 2000 वाट का है तो चैनल ए और चैनल बी पर एक एक स्पीकर आप बेस बजा सकते हैं, जो अच्छा खासा आपको बेस मिलेगा, अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी। अगर हम बात करें इसका 4 ओम पर यानी कि आप डबल बेस बजाना चाहते हैं तो आपका स्पीकर आरएमएस पावर में 31 वाट होना चाहिए, यानी कि दोनों मिलाकर 31 वाट का आपको बेस होना चाहिए। अगर आपका स्पीकर 1500 वाट का है तो इस पर 4 स्पीकर बजा सकते हैं। आरएमएस पावर में जो पर चैनल पर 31 वाट का पर चैनल इसका आउटपुट दिया गया है तो आप पर चैनल पर दो दो स्पीकर बजा सकते हैं, जो स्पीकर का 1500 वाट का स्पीकर होना चाहिए जो अच्छा क्वालिटी का रन करेगा, बेस के लिए बहुत अच्छा एम्पलीफायर माना जाता है। टॉप के लिए तो स्टूडियो मास्टर के बारे में पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि सब लोग रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, देख रहे हैं, इसके बारे में सुने होंगे कि जो टॉप के लिए बेहतर एम्पलीफायर स्टूडियो मास्टर का ही माना जाता है। तो अगर हम बात करें 2 ओम पर बात करें तो अगर आप टॉप चलाना चाहते हैं तो आपका अगर आप टॉप चला रहे हैं तो यानी कि पर चैनल पर आपका आउटपुट आपको जो 5000 आउटपुट आपको पर चैनल पर मिलने वाला है, तो यानी चैनल ए पर 2 टॉप चैनल बी पर 2 टॉप यानी कि आप 4 टॉप चला रहे हैं तो आपका स्पीकर कम से कम 1200 वाटेज में होना चाहिए। जो अगर 2 टॉप चलाएंगे चैनल ए पर और चैनल बी पर तो 1 टॉप आपका होगा 2400 वाट प्लस 100 वाट का एचएफ होगा, तो यानी कि 1 टॉप होगा 2500 वाट, तो एक चैनल पर 2500 यानी 5000 होगा चैनल ए पर और 5000 होगा चैनल बी पर, तो आपका अच्छा रन करेगा। अगर हैवी वाटेज का आपका स्पीकर हैवी वाटेज का आप टॉप रख रहे हैं या चला रहे हैं तब इसको यूज कर सकते हैं।
जो अच्छा खासा आपको टॉप का क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप ब्रिज मोड में चलाना चाहें तो आप 8 ओम बेस का चला सकते हैं, जो अगर आपका पास हैवी स्पीकर है 8 ओम का 6200 वाट यानी 6200 वाट का स्पीकर आपके पास होगा तभी आप इसको यूज कर सकते हैं, जो इम्पॉसिबल है अभी स्पीकर इसमें का लॉन्च नहीं हुआ तो आप कहां चलाएंगे, तो इतना हैवी स्पीकर आप नहीं चला सकते हैं। अगर फोरम पर बात करें तो अगर ब्रिज मोड में अगर फोरम पर चला रहे हैं तो आपका पर स्पीकर आपका कम से कम 5000 वाट का होना चाहिए, जो फोरम पर इसका 10000 आउटपुट जो देखने के लिए मिल रहा है, तो आपका पर स्पीकर अगर हैवी स्पीकर है तो आप 5000 वाट जो स्पीकर रखे हैं तब रन करा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करेंगे इसका डंपिंग फैक्टर का। इसका डंपिंग फैक्टर की बात करें तो ये आपको 400 डंपिंग फैक्टर देखने के लिए मिल जाएगा, जो काफी आस लगाकर सभी लोग बैठे थे कि 10000 वाटेज का एम्पलीफायर होने वाला है। इसमें डंपिंग इसका हो सकता है कि 800 या 1000 के आसपास में हो, मगर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें 400 का ही डंपिंग फैक्टर आप देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी आप 20 हर्ट्ज से लेकर 20 गीगाहर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी आप देखने के लिए आपको मिलने वाला है, जो आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करें इसका नेट वेट का। इसका नेट वेट की बात करें तो आपको 45 kg आसपास में होने वाला है, जो आपको 45 kg में आपको एम्पलीफायर आपको मिलने वाला है, जो हैवी एम्पलीफायर है, बेस टॉप कुछ भी आप बजा सकते हैं, जो हैवी आपको अच्छी क्वालिटी का रन करके आपको मिलने वाला है। चलिए हम आगे बात करेंगे इसके प्राइस का। ये एम्पलीफायर आपको 75 से 80 हजार के आसपास में मिलने वाला है। आप निजी आहूजा एजेंसी पर या स्टूडियो मास्टर एजेंसी पर आप संपर्क कर सकते हैं, आप डिटेल पता कर सकते हैं। ये एम्पलीफायर आपको 75 से 80 हजार के आसपास में आपको एम्पलीफायर आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगर आप इसका लाइव टेस्टिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, अगर 100 कमेंट कम से कम आ जाएगा तो आपको लाइव टेस्टिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हम दिखा देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।